तो बावलोग वेनम द लास्ट डांस काफी लोगों ने देख ली होगी, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन, एंडिंग सीक्वेंस एंड सबसे बड़ा सवाल कि वेनम सच में मर गया है या नहीं, दूसरा व्हाट इज कोडेक्स, तो ये सारे सवाल अगर आप लोगों को सता रहे हैं तो इस वीडियो में इन्हीं सब के ऊपर बात करने वाले हैं अभी। और मैं आपको बता दूं इस मूवी की एंडिंग में एक सॉलिड राज छुपा हुआ है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी सच पता चल पाएगा आपको। तो बाबा शुरुआत करते हैं व्हाट इज कोडेक्स, जिसके ऊपर ये सारी जंग चल रही है इस मूवी में। बाबा वेनम 2 में कार्नेज अपने एडी भाई को मार देता है, याद होगा तुम्हें, देन उसके बाद वेनम दोबारा से उसे जुड़ता है और एडी फिर जिंदा हो जाता है, और इस प्रोसेस में एक ऐसी चीज ने जन्म लिया एडी और वेनम के अंदर जिसका नाम कोडेक्स है। खासकर जब वो दोनों एक हो जाते हैं तब ये कोडेक्स एक्टिव हो जाता है, और ये कोडेक्स है नल को आजाद करने की चाबी, जिसे पूरी मूवी में नल के बनाए जीनोफेज वेनम से लेने की कोशिश करते हैं, उसे चेज करते रहते हैं। बाकी नल कौन है उसने खुद ही अपना इंट्रो दिया मूवी के स्टार्टिंग में ही, और कोडेक्स उसे क्यों चाहिए, तो उसके बनाए सिम्बियोट ही उसे क्लिंटार प्लेनेट, जो सिम्बियोट की जेल है, वहां कैद कर लेते हैं। और ये लाइट यूनिवर्स कुछ नहीं था तब से नल का यहां पर एग्जिस्टेंस रहता है, तो अब नल को होना है आजाद क्योंकि कोडेक्स वेनम के अंदर एक्टिव हो चुका है। बाकी नल के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो मैंने नल पे डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, सॉरी वीडियोज बना रखी है, तो विजिट द चैनल। अब चलते हैं एंडिंग सिक्वेंस पर, और इस सवाल पर कि वेनम सच में मर चुका है या नहीं, तो एक बार इस पार्ट को समझने के लिए स्टार्टिंग पे फोकस करते हैं, जहां वेनम अर्थ 616 में बारटेंडर से बातचीत कर रहा होता है, और बारटेंडर एडी को मार्वल के सुपर हीरोज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है, और एडी यहां इसलिए पहुंच पाया क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में मल्टीवर्स स्पेल किया था जिससे वो यहां आ जाता है। उसके बाद सेकेंड मल्टीवर्स स्पेल में वो वापस दोबारा से अपनी दुनिया में चला जाता है जो ऑलमोस्ट सेम है उसकी और वो वाली दुनिया भी, क्योंकि सेम वही बारटेंडर हमें एसएसयू यूनिवर्स में भी देखने को मिल। लेकिन अर्थ 616 छोड़ने से पहले वेनम का छोटा हिस्सा वहीं रह गया है, तो इस पार्ट को याद रखना जिसकी बात एंडिंग में करेंगे क्योंकि उसका कनेक्शन वहीं पर है। लेकिन अपनी यूनिवर्स में भी आकर वेनम ने फिर से अपना छोटा हिस्सा यहां पर भी छोड़ दिया था, जो बारटेंडर को रीच करने ही वाला था कि एजेंट रेक्स स्ट्रिकलैंड वहां पहुंच के उस वेनम के हिस्से को कैद कर लेता है। नाउ चलते हैं अब सीधे एंडिंग पर। देखो एरिया 51 बेस पर पहले से ही बहुत से सिम्बियोट मौजूद हैं जो बोलते हैं कि नल की दरिंदगी से उनसे बच के ये भाग रहे थे और यहां आ गए, जहां एजेंट रेक्स ने इन सबको पकड़कर कैद कर लिया है, और डिटेक्टिव मॉलिगन भी यहां मौजूद है जिसके अंदर कार्नेज का अंश टॉक्सिन मौजूद है, और टॉक्सिन का हमें फुल रूप देखने को भी मिलता है। लेकिन बाबा टॉक्सिन सिम्बियोट के साथ मेकर ने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया है, इसे इतनी आसानी से खत्म कर दिया। बाकी एंडिंग क्लाइमेक्स पार्ट ऑसम है, जो टेक प्लेस करेगा एरिया 51 बेस पर, जहां एडी और वेनम को भी एजेंट रेक्स कैद कर लाता है और फिर एडी को बिना संकोच और मलाल के मार भी देता है। तभी वेनम फिर एडी से मर्ज हो जाता है और कोडेक्स एक्टिव हो जाता है, तभी जीनोफेज भी आ जाते हैं और फिर भीषण लंबी लड़ाई हमें देखने को मिलती है। सारे सिम्बियोट आजाद हो जाते हैं, रंग बिरंगे सिम्बियोट हमें लड़ते नजर आते हैं, लेकिन जीनोफेज को नल ने जाने कौन सी चक्की का आटा खिला के बड़ा किया है, साले मरते ही नहीं है। ऑलमोस्ट सभी सिम्बियोट को जीनोफेज ने मार डाला, सिर्फ एक बचता है जो डॉक्टर पेन के पास है, और उसका भी इस्तेमाल लुलसी जगह पर किया है इन्होंने, जस्ट फॉर सेविंग हर फ्रेंड। बस सबसे गंदा पार्ट था इस मूवी का। बाकी वेनम ने सारे जीनोफेज को मारने के लिए खुद की कुर्बानी भी दी ताकि एडी भी बच पाए, और वो अपने ऊपर एसिड गिराकर सारे जीनोफेज के साथ मर जाता है, एंड यहाँ द एंड हो जाता है वेनम का। बट द क्वेश्चन इज दैट, क्या वेनम सच में मर गया है? तो बाबा नहीं, मेरे हिसाब से वेनम का बड़ा पार्ट मर चुका है, बट दो छोटे छोटे पार्ट अभी भी जिंदा हैं। एक वो अर्थ 616 में जो छोड़कर आया है, यानी एमसीओ वाली दुनिया में वो बचा है, और दूसरा जिसे एजेंट रेक्स ने कैद कर लिया था वो जिंदा है, और इस एसएसयू वाले बेबी वेनम ने सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन कनेक्टेड है, जहां हमें एसएसयू वाला बारटेंडर देखने को मिलता है अगेन, जो बाहर आता है और देखता है कि एरिया 51 बेस पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है, और तभी वो ग्लास टूटा नजर आता है जिसपे वेनम के अंश को कैद किया था रेक्स स्ट्रिकलैंड ने, और एक क्रॉकरोच के ऊपर वो चला जाता है, और यहां मूवी का दी एंड। तो बाबा मेरी थ्योरी के हिसाब से वेनम जिंदा है, और वो भी दो जगह, जहां शायद ग्रो होने में ये बेबी वेनम थोड़ा समय लगाएगा, और बाद में जब फुल ग्रोन अप हो जाएगा तब हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। और ये वेनम के जिंदा वाली सियोरिटी मैं इस पार्ट से गेन कर रहा हूं, जब वेनम मर रहा होता है तब वो एडी से बोलता है कि अभी के लिए गुड बाय। अभी के लिए कहने का क्या मतलब था, इसका मतलब आगे भी आएगा, और वो क्रॉकरोच वाला वेनम आगे ग्रोन अप होके दोबारा एडी से मिल जाए शायद, या हो सकता है कि एक नया होस्ट ढूंढे शायद,
खैर वो मेकर ही डिसाइड करेंगे इसका क्या करना है क्या नहीं। हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, थ्योरी सेट कर सकते हैं, बस इतनी ही पावर हमारे पास है। बाकी अब चलते हैं फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो तबाही की शुरुआत है। वेनम के मरने के बाद नल काफी फ्रस्ट्रेट दिखाई दिया हमें इस पार्ट में, क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये एक मौका उसके हाथ लगा था और वो भी वेस्ट हो गया। और वो थ्रेट करता है कि मैं जाग चुका हूं, सब कुछ तबाह कर दूंगा, मैं वापस आऊंगा। एंड देन ही एड्रेस्ड कि आई एम द किंग इन ब्लैक, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और बात अगर किंग इन ब्लैक की चल ही रही है तो किंग इन ब्लैक कॉमिक की बात करें तो नल को रोकने पूरा मार्वल यूनिवर्स आ जाता है, यानी सारे के सारे सुपर हीरोज, जहां उसने थॉर तक को अपनी तलवार नेक्रोसोर्ड से मार दिया था। तो बाबा नल का आना निश्चित है, लेकिन इस बार एमसीयू वर्ल्ड में, क्योंकि एमसीयू से स्पाइडी का नेक्स्ट पार्ट स्पाइडरमैन द किंग इन ब्लैक करके आ रहा है। तो यस, ये किंग इन ब्लैक और कोई नहीं अपना नल ही है, और जो वेनम का अंश एमसीयू में छूटा है नल को वही एक्साइट करेगा शायद वहां जाने के लिए। अब नल आजाद कैसे होगा भाई वो तो राम जाने, क्योंकि हमारी नजर में कोडेक्स फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है। बाकी नल ने अपना फेस रिवील कर दिया है जो सीजीआई इफेक्ट है। तो बाबा मैंने आपके सामने सारी गुत्थियां सुलझा दी है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर यस तो एक लाइक से मेरे इस काम को अप्रिशिएट कर सकते हो आप। बाकी शेयर करो अपने ही जैसे किसी और को जिसको शायद इसकी जरूरत हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहोगे, वेनम द लास्ट डांस फुल मूवी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पर, या जितने भी सिम्बियोट इसमें दिखाए गए उनकी स्पेशियलिटी पावर, एंड खासकर वो डॉक्टर टेडी पेन के पास जो सिम्बियोट है वो कितना पावरफुल हो सकता है इस पर वीडियो देखना चाहोगे, या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी व्हाई इट इज लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग, या फिर हटाओ इसकी माँ का, तीनों ही टॉपिक पर एक एक करके वीडियो बना दो, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना बाबा। और आगे मैं वेनम द लास्ट डांस पर तभी काम करूंगा जब मुझे इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। यहां तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।